आज के वीडियो में हम आपको एंजल स्पार्क में एक ऐसे स्टॉक के बारे में जानकारी बताएंगे जो कंपनी आपको 3.5% से ज़्यादा का डिविडेंड देने जा रही है। तो इसके लिए आपको एंजल स्पार्क एप्लीकेशन पर आना होता है। अगर आपके पास एंजल स्पार्क एप्लीकेशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज अपना डिमैट अकाउंट एंजल स्पार्क के साथ ओपन करें, क्योंकि यहाँ आपको बेहतर सर्विसेज मिलती है और यह इसका एप्लीकेशन काफ़ी शानदार है जिसमें आप एक ही विंडो पर सारे कामकाज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वॉचलिस्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमने जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं इसका नाम है बैंको प्रोडक्ट का यह स्टॉक है, जिसे हम बैंको इंडिया के नाम से जानते हैं। यह स्टॉक इस समय 237 पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आज स्टॉक में 0.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली है। कंपनी में डिविडेंड लेने के लिए हम सबसे पहले स्टॉक का कुछ फंडामेंटल का एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे हम स्टॉक के डिटेल पे आते हैं और फंडामेंटल की जानकारी देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है, कंपनी एक का मार्केट कैपिटल यहाँ 1700 करोड़ का चल रहा है। एक साल में कंपनी ने 62% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, सेक्टर में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, मार्केट में इसने 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अब यहाँ फंडामेंटल रेशियो को हम देख लेते हैं तो इसका पीई रेशियो जो है ये 7.54 पे चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.82 की है और साथ ही अगर हम देखें यहाँ पे आरओसी देखते हैं तो 16.69% पे बना हुआ है। आरओई 15.43 का मेंटेन करते हुए चल रहा है। इसके साथ ही अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नज़र डालते हैं यहाँ पे तो आप दिसंबर और सितंबर क्वार्टर की में शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो प्रमोटर में यहाँ पे कोई भी अपने होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं किया है, लेकिन FIIs की बात करें तो यहाँ पे 0.41% का चेंजेस हमें देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 0.02% के साथ नो चेंजेस है, लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशन ने अपने यहाँ पे पोजीशन को कम किया है, जो 0.41% की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है। तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक में डिविडेंड लेना चाहते हैं तो यह स्टॉक आपको 24 फरवरी से पहले तक के आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना होगा, क्योंकि इस स्टॉक की जो रिकॉर्ड डेट है 24 फरवरी है और स्टॉक में अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो यह स्टॉक आपको 23 फरवरी है उससे पहले बाय करके रखना होगा, तभी आपको इस कंपनी में 8 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो इसके लिए डिविडेंड लेने के लिए नीचे दी गई बाय बटन पे आपको सिंपली प्लेस करना होता है। यहाँ पे आप जितनी भी संख्या में डिविडेंड लेना चाहते हैं क्वांटिटी में वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे 1000 क्वांटिटी में डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे जो अमाउंट लग रहा है ये 237,200 लग रहा है, लेकिन अगर हम एंजल स्पार्क की मार्जिन फैसिलिटी का यूज़ करें तो हमें जो अमाउंट लगेगा इसलिए ओनली 1,18,600 का हमें मार्जिन लगेगा। तो मतलब कि 50% का हमें मार्जिन लगने वाला है। और आपको एक बात और बताते हैं कि एंजल स्पार्क की जो फैसिलिटी है इसमें आप 10K तक के अगर मार्जिन लेते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन 10K से ऊपर आप जैसे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे पर लाख पे 49 रुपीज़ पर डे का आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो इस प्रकार से आप इस स्टॉक को यहाँ बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद यहाँ पे कन्फर्म बाय का आता है, जिसे आप कन्फर्म करते हैं तो आपका ऑर्डर कन्फर्म हो जाता है। एक बार आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद आपको 24 तारीख तक के यह स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में रखना होगा, तभी आपको इस स्टॉक में 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट से जुड़ा हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, नमस्कार।